और कितना साल हुआ आपको मजरे में? हाँ 13 साल हुआ, 13 साल हो गया। आप इसी में बहुत काम सैलरी करते कितना भाई, ये है? तो काम बहुत करा था। तो खाना? जब आए थे तो सैलरी में कोई फर्क पड़ा है या सेम थी जब आए थे? तो 1,500 तो 650 था, साढ़े छह सौ अभी था, 1,100 हुई है। अभी 1100 हुई है। तो उसको अब बोलो ठीक नहीं है थोड़ा भाई, ज्यादा काम करता है, ज्यादा काम। 12.5 बजे बंद करता है, 2.5 बजे उधर दो दो नहाते महीना हैं। हो रहा है। कितना साल हुआ है वसीम भाई आपको? जो हो गए नौ साल, 9 साल हो गया। और वसीम भाई का नौ लव एंगल भी चल रहा है, शादी भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इब्राहिम सऊदी अरबिया से। हाय फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए, और नाश्ता लेना है। नाश्ता लेके आज फिर से एक नई जगह जाना है। देखते हैं वहाँ पे वो जगह कैसी है, वो मजरा कैसा है, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो अभी सुबह सुबह कुछ नज़ारा ऐसा है हमारे इधर। तो अभी नाश्ता लेंगे, उसके बाद फटाक से निकलना है। यस वसीम भाई, कहाँ चलना है आज? एक बेड का इलाज है आज। मजरे में गए? मैं भी गया हूँ या पहली बार जा रहा हूँ? गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या बोला हाल अब्दुल्ला? कोई इस मियाँ मियाँ वेन डॉल्यूम इलाज वाहिद। हाँ ओके, और रोड क्रॉस करना है। सुबह सुबह बड़ा रश रहता है यार इस रोड पे। वसीम भाई वहाँ पे खड़े हैं अभी, मैं तो आ गया भाग के। कल हम लोगों ने नाश्ता चेंज कर दिया था, ये हुआ ज़्यादा दिन हो गया, तो कल हम लोग दाल तमीज वगैरह लिए थे, और आज फिर वही ले रहा हूँ, जो सैंडविच सप्पा घर्षण बोलते हैं उसको, तो वही ले रहा हूँ। देखो हमारा रेडी हो रहा है ऑर्डर। सबके हाथ में है चाय, और इधर से गाड़ी भी आ रही है, रोड भी क्रॉस करना है, हो जाएगा। अरे वसीम भाई दो दो चाय। तो चाय पकवा दी यार तुमने। तो दो दो क्या, मैं कैमरा नहीं पकड़ूं? ये बताओ, तुम छोड़ दूं वीडियो बनानी? तुम कह दो छोड़ दूंगा मैं। तो नाश्ता लेकर हम लोग गाड़ी में आ गए, अब जा रहे हैं घापा घाप खाने के लिए। तो नाश्ता लेकर हम लोग गाड़ी में आ गए, अब नाश्ता करेंगे। नाश्ता कर रहे हैं ये फंक्शन भाई है, नाश्ता कर रहे हैं, और इधर वसीम भाई भी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज का टेस्ट? आज का तो मैंने चेंज कर दिया, आज का तो अलग है, आमलेट डला हुआ है ना, बढ़िया है, मस्त। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो में, वसीम भाई दिखते हैं क्योंकि मेरे साथ वाली सीट पे बैठते हैं, और फैसल पे बैठते हैं आगे, और अब्दुल्ला बैठते हैं आगे। तो वसीम भाई को भी सऊदी में काफ़ी टाइम हो गया है, मैं तो अभी इनसे मिला हूँ 2 महीना हो रहा है। कितना साल हुआ है वसीम भाई आपको? जो हो गए 9 साल, 9 साल हो गया। और वसीम भाई का लव एंगल भी चल रहा है, शादी भी करेंगे। कब कर रहे हो शादी? शादी तो यार अभी हो नहीं रही, बकरीद को होगी। बहुत याद आती है यार, बहुत याद आती है, शादी कर लो ना फिर, जाओ घर, टिकट करवाऊं? वो तो बहुत मिस कर रही है मुझे, आ जाओ आ जाओ, लेकिन अभी जाना नहीं हो रही है। चलो इंशाल्लाह हम लोग दुआ करें, परेशानी है। हाँ भाई घर हम लोग घर बनाया तो उसमें बहुत पैसा लग गया, जाऊँगा 5-6 महीने बकरीद का, जब शादी शादी करूँगा। देख रहे वसीम भाई बहुत तो मिस करती है यार मेरी वाइफ, वाइफ इनको इतनी मिस कर रही है कि इनको रोना आ गया। बात बता दे बता लो, अब मैं बोल दिया था ना, हो गया भाई रोना आ गया। नहीं नहीं, तो वसीम भाई की कहानी सुन के मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि प्यार जो है ना अंधा होता है, आपको पता ही है। तो वसीम भाई अपने वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और इनका मैं सोचता हूँ दिल से कि इनकी मनोकामना पूरी हो और इनकी शादी हो जाए, इनकी जो पार्टनर है मिल जाए, और ये अपने लाइफ में खुश रहें। बिल्कुल सही बात है ना? सही बात है। और 10 साल इन्होंने सऊदी में किया है काम, इस कंपनी में, इस कंपनी को भी इन्होंने अच्छा टाइम दिया है। और इनका प्यार कितना साल पुराना है आपका? प्यार तो हो गया कम से कम 5-6 साल, 5-6 साल की मोहब्बत है, और वसीम भाई उसको हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। बिल्कुल, जान लेने देने का ही तो मुकाबला चला है। हाँ सच में, कैसे ऐसे थोड़ी ना हुआ मेरा रिश्ता, कैसे हुआ बताइए। बहुत मुश्किल था करना मेरे लिए, हो गया अल्लाह के हुक्म से। तो गया
तो आप बहुत खुश हो रिश्ते से? हाँ खुश है यार, दोनों खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सोच रहा हूँ जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो यूट्यूब चैनल खोल लो इंशाल्लाह, जरूर उसमें लव स्टोरी अपनी बताते रहना कि हम लोग कैसे मिले। अरे सब सीख लोगे, सिखाओगे तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, उसमें अपनी लव स्टोरी डालना कि हम लोग कैसे प्यार हुआ, फिर यूँ मिले, फिर शादी में झगड़ा हुआ। ठीक है तो अभी चलते हैं ड्यूटी पे क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा करना है। एक पेड़ भी बांधना है, हम लोग अभी चल रहे हैं काम पे। सब लोग मस्त नाश्ता वास्ता करके आ चुके हैं मजरे में, हम लेके जा रहे हैं सामान। फैसल भाई चेक करके हैं उसमें सुसा जाना, चलते हैं उसका इलाज करने के लिए। ये हमारा सामान वगैरह है, इसको लेके अभी चलेंगे अंदर। यही है वो पेड़ जिसमें सुसा है, इधर से देखिए। मट्टी बना दो हमें लगा दी तो लग रहा भाग गिर गया है ना अंदर है नहीं ऐसा लग रहा है अंदर है या भाग गया खत्म कर दिया ऐसा कुछ ना ऐसा। जो पेड़ खराब था देखिए इसका इलाज हो गया, इस तरीके से हम लोग इसको बांध देते हैं। और ये हम लोग अभी हुसैन भाई के मजरे में हैं और हुसैन भाई बहुत सारी सब्जी लगाए हुए हैं। और देखिए ये प्याज है ना हुसैन भाई, प्याज मूली पालक उधर और इधर भी बहुत सारा है। अभी दिखा रहा हूँ, देखो ये लाल मूली है, ये सऊदी अरब में मिलती है। ये हरी प्याज है, हाँ पत्ते वाली ये हरी प्याज है। और इसमें क्या क्या है? मूली है, मूली। और वो आगे क्या है? पालक है, मेथी। मेथी ये सफ़ेद वाली मूली है। हाँ माशाल्लाह। मैं यहाँ पे जिस मजरे में आया था इलाज करने के लिए, यहाँ पे हुसैन भाई मिले हैं हैदराबाद के, मैं उनसे बातचीत करता हूँ और आप लोगों को भी मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हुसैन भाई कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा इधर आइए धूप में तो और अच्छा है। और कितना साल हुआ आपको मजरे में? 13 साल हुआ। 13 साल हो गया आप इसी मजरे में, कपिल के पास है। और ये सब्जी उब्जी माशाल्लाह आपने बहुत सारी लगाई हुई है। लगा लेते हैं, खाने भी होता है, थोड़ा बहुत बेच लेते हैं, फायदा हमारा भी हो जाता है। छुट्टी कब जाते हैं? 2 साल में। 2 साल में? दाढ़ी आप पहले से रखे थे या इधर आके रखे हैं? नहीं इधर आके रखे। इधर आके तो कहीं घूमने उमने को तो मिलता नहीं है, जो लोग मजरे में काम करते हैं छुट्टी उट्टी रहती नहीं है? छुट्टी वुट्टी तो नहीं रहती, छुट्टी नहीं रहती। चाहे तो कहाँ जाएगा छुट्टी करके भी, मजरे में तो काम रहता है ना, दो आदमी रहे तो मुश्किल नहीं कोई सदी के पास जाए। बस जुम्मा 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 भी छुट्टी नहीं रहती, बस जुम्मा पढ़ने जाना फिर असर के बाद फिर काम करना। तो ये लोग बोलते हैं बहुत खारा पानी है सऊदी का, तो ये पालक उलक आसानी से आ जाता है? आ जाता है, दिक्कत नहीं है। पानी है ना, तीन बहुत नीचे है, 300 मीटर नीचे पानी, 300 मीटर अंदर से बोरिंग है इसकी, हाँ इस मजरे की। तो जब आए थे तो सैलरी में कोई फ़र्क पड़ा है या सेम थी जब आए थे तो? अरे पहले तो 650 था। 650 था, 1100 हुई है अभी, 1100 हुई है। तो उसको बोलो थोड़ा बढ़ाने के लिए, वही तो काफ़ी पुराने हो गए आप। बोलता हूँ मगर नहीं बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है। तो आप प्रॉपर हैदराबाद के? हाँ हैदराबाद के, करीब के। करीब के आप? मंसूर भाई आपके पड़ोसी हैं यार। ओके। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 हैं। 3 हैं, बड़े हो गए होंगे अब तो? हाँ बड़े हो गए, क्योंकि 13 साल तो आपको यहीं हो गया है। बड़े हो गए। तो आपका इलाज हो गया है पेड़ का, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। देखो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मजरा है मंसूर भाई का जिसमें ये काम करते हैं हुसैन भाई, अरे सॉरी ये हुसैन भाई का मजरा है इसमें वो काम करते हैं। ये पूरा मजरा है और उस साइड में उनका रूम है। और इसमें 150 नखल है ना? हाँ 150 उधर भी है, 150 पेड़ है और उधर भी पेड़ है, इतना है। जितना इधर है उतना दूसरी साइड में भी पेड़ है। तो हम लोगों को भी माशाल्लाह मूली दिए है हुसैन भाई, अब लेके चलेंगे इसको रूम पे, हम लोग भी खाएंगे। और फैसल भाई देखिए काम करके थक गए बैठे कुर्सी पे। और वसीम भाई
हुसैन भाई से मैंने बातचीत किया और मजरा भी उनका ये है जिसमें मैं खड़ा हूँ, और हम लोग उनके पेड़ का इलाज भी किया और उन्होंने बताया कि उनको 13 साल हो गया है। तो 650 में आए थे, अभी 1100 सेल लिए। लेकिन इसमें एक फ़ायदा हुसैन भाई का ये है कि हुसैन भाई जो ये सब्जी लगाते हैं बेचते हैं, अगर जो हफ्ते में 100 रियाल की भी बेच देते हैं तो 4 हफ्ता पड़ता है महीने में, तो ये इनका अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह कमाई हो जाती है। क्योंकि कफील इस चीज़ के लिए फ्री दिया है, कुछ वो लेता है और ये बेचते हैं सब्जी, तो इनकी सैलरी फिर भी माशाल्लाह ठीक है। अभी कल जो चाचा मिले थे उनको 20 साल हो गया, तो उनकी सिर्फ 1100 सैलरी है, तो खाना भी उसी में उनका है और इनका, तो सॉरी मैं भूल गया कि खाना आपका या कपिल का, पूछा नहीं, तो इनका फ़ायदा है। तो मजरे में लोग जो, तो मजरे की जो लाइफ है इसी तरीके से रहती है सऊदी अरब में। देखो किसी किसी मजरे में बहुत कुछ है, फल फ्रूट, खाने वाने की दिक्कत, अक्सर मैं बोल रहा था ना उस वीडियो में, तो मजरे में खाने की दिक्कत नहीं होती है क्योंकि लोग सब्जी भी लगा लेते हैं, पानी भी रहता है, कपिल अच्छा है तो बेचने का मौका भी देता है, कपिल अच्छा नहीं है तो फिर बोलता है कि नहीं तुम खाओ और मैं ले जाऊंगा। वो बाहर जाते ही नहीं है तो बेचेंगे कैसे। लेकिन हुसैन भाई जो है बाहर भी जाते हैं, बेचते भी हैं। और यार 13 साल रहना कोई मजाक है क्या। तो हम लोग उधर काम करके वेट कर रहे थे तो गाड़ी आई काफ़ी लेट के बाद, तो गाड़ी आ गई, अभी हम लोग जा रहे दूसरे मजरे में और दिखा रहा हूँ कुछ इधर का नज़ारा। हम लोग आ गए हैं दूसरे मजरे में, ये मजरा देखिए कुछ ऐसा है, इसमें ज़्यादा नकल नहीं है, ज़्यादा खजूर का पेड़ नहीं है। ये देखिए मजली से इसमें बैठते हैं ये लोग। और क्या क्या लगा रखा? इंजीर है ये, फैसल भाई ने नींबू लिया, कुछ नहीं है। और क्या हाल चाल, कितना साल हुआ मजरे में? इधर 2.5 महीना। 2.5 महीना हुआ, नया आए हो आप? नया नहीं है, दूसरा मजरा है, वो लोग भेजा उधर, उधर काम नहीं है। काम ठीक है? काम ठीक नहीं है भाई, ज्यादा काम करता है। ज्यादा काम? 12:30 बजे बंद करता है, 2:30 बजे उधर लगता है, शाम को आजान होने का पहले और भी छाड़ता है, पूरा अंदर हो जाता है, ऐसे ही करता है। सैलरी कितना है? ये तो काम बहुत कराता है, 1200। खाना? खाना भी हमारा निजा है, अपना है, खाना अपना है, 1200 सैलरी है। बहुत काम कराता है? काम ज्यादा भाई। तो आपने कपिल से बोले नहीं? कपिल से बोला है, कपिल बोलता है हमारा काम नहीं है, उधर करो, कोई मुश्किल नहीं है, जितना काम करेगा ये अल्लाह देखेगा, ऐसा बात करता है। काम हॉट टाइम काम करता है, ज्यादा काम करता है। क्या करो, बहुत काम करता है। तो पहले उस मजरे का काम खत्म किया, फिर दूसरे मजरे में हम लोग गए, तो उसमें एक बंदा मिला यार, बड़ा दुखी था, उससे बात नहीं हो पाई, उसका कफील आ गया था, बहुत परेशान था बेचारा, बोल रहा था काम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सैलरी का उसी में से खाना है। और फिर हम लोग आ गए दूसरी जगह पे, ये हम लोग पहले इलाज किए थे, तो ये खोलना है, इसको खोल के लेके जाना है रूम पे, तो ये अभी खोलना है, इधर ये खोल के लेके जाना है। हाँ माशाल्लाह, हाथ सही हो गया लग रहा है, इसको अभी हम लोग खोलेंगे। देखो थोड़ा खोले यार वसीम भाई, शूट कर लूँ मैं। इस पेड़ का भी हम लोग इलाज किए हुए थे, अभी खोल लिए हैं इसका गुमास, लेके जा रहे हैं गाड़ी में रखेंगे। आज हम लोगों ने 4 मजरे में गए हैं, जिसमें से एक इलाज किए हैं, 2 मजरा चेक किए हैं, और तीसरे में जो बांध के गए थे संडे वाले दिन, उसको खोल दिए हैं गुमास को। अभी तो पेड़ को मैं देखा हूँ ठीक है, इलाज हो गया इसका बेहतरीन है, पेड़ तो देखा हूँ मैं ठीक लग रहा है। तो जिस मजरे में बांधे थे तो आज हम लोग खोल रहे थे, तो अभी खोल लिए, अब जाएंगे रूम पे। तो आज 4 मजरे में घूमे हम लोग, तो जो बंदा मिला था ना, बात कर रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उससे बात करता मैं और कुछ बताता उसके बारे में, जानता भी, लेकिन उसका कपिल आ गया तो वीडियो अधूरी रह गई। तो अभी हमारा काम ख़त्म हुआ, अभी हम लोग का काम ख़त्म हो गया, अभी जाना है रूम पे, रूम पे जाएंगे, नहाए वहाएंगे, खाना ना खाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, फिर मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, खुदा।